दोस्तों क्या चल उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। आपका दोस्तों क्योंकि फिर से आ गया है नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आया हूँ मॉल रोड में, तो अभी हम काथी जंक्शन के पास है, यहाँ पे रोल ट्राई कर रहे हैं। मेरे साथ आए हैं दो हीरो, एक का मुंह तेरा और एक का मुंह उधर को, थोड़ा शर्माते बहुत हैं। चल तली ताली जगह पोर्शन, यहाँ से मॉल रोड स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से आपको रिक्शा वगैरह मिलेगा। बाकी हम देखिए अभी है यहाँ पे काथी जंक्शन के पास, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे बैठने का, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये दो मेरे साथ आए हुए हैं बाकी आज की इवनिंग इन दो के साथ, बाकी कल अपना अल्मोड़ा जा रहा हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, और बाकी अब मेरी वॉइस क्लियर है भी, तो हम आ गए यहाँ पे काथी जंक्शन का ये रोल। बाकी टेस्ट करके बताता हूँ कैसा हो रहा है, और ये व्यू देखिए इवनिंग व्यू। तो ये है नैनीताल की मॉल रोड, इवनिंग वॉक करने का तो अलग ही मजा है। और ये दो सर मिले अपने, रिक्शा भी थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। 6 से 8 बजे तक ये रोड बंद रहती है ऊपर की, ना यहाँ पे कोई भी व्हीकल तो बिल्कुल नहीं चलेगी शाम के वक्त। और यहाँ पे बीच में देख सारे होटल्स वगैरह हैं, नैनीताल आ रहे हैं होटल्स, ये तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके विजिट करिए। जो है रोड बंद नहीं हुई है, इसका रीज़न ये है कि जो ऊपर वाली रोड है वन वे DSB कैंपस वाली, वो उसमें जो है कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है इसीलिए। या म्यूजिक नाइट गढ़वाली सॉन्ग, अब लोग की डिमांड में गढ़वाली सॉन्ग बजवा दिया भैया से। आ गए हैं नैनीताल भूटिया मार्केट के पीछे वाली मार्केट में, और तमाम मोमोज के यहाँ से हमने मोमोज ऑर्डर कर रखे हैं, तो मोमोज आने वाले हैं हमारे। हमारे मोमोज आ गए, चलो इसके अंदर की स्टफिंग दिखाता हूँ कैसी है। स्टफिंग देख लीजिए, हाय हाय पानी आ गया मुँह में, रुका नहीं जा रहा। चलो तो हम आगे बूटे मार्केट से सीधे अब नमकीन लेने, नैनीताल आए हैं तो नमकीन मोमोज सब कुछ फेमस चीज़ दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि हमारी नमकीन अभी पैक हो रही है। आप लोग की कौन सी फेवरेट है कमेंट सेक्शन में बताइए। चलो बताओ मैं कहाँ हूँ दोस्तों। तो दोस्तों कल तक था मैं नैनीताल, अब मैं फिर से आ चुका हूँ अल्मोड़ा। बाकी अभी दोपहर के यहाँ पे 3 बज रहे हैं, और बहुत कड़ाके की गर्मी। अब अभी मैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ शॉप में, कुछ सामान लाना है अपन को। ये शांति है यहाँ पे तो बता नहीं सकता, ऊपर से अंकल ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं घर से चोरी कर रहा हूँ, क्या समझे छोड़ो। वो नीचे अपना घर है और मुझे वहाँ पे जाना है। मैं गर्मी में कभी रहा नहीं हूँ, पर मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। पहाड़ों में ये हाल है, तो प्लेन्स में क्या हाल होगा पता नहीं। बाकी आप लोग अच्छे अच्छे कॉलेज सर्च कर ही रहे होंगे, जो लोग मेरे ब्लॉग्स देख रहे थे DSP कैंपस से रिलेटेड। बाकी मैंने प्राइवेट रूम्स का भी डाल दिया, किस टाइप के रूम्स मिलते हैं वहाँ पे, और PG का भी दे दिया डिस्क्रिप्शन में। PG तो आप वहाँ पे जाके यार कीड़े तो PG तो आप एडवांस में बुकिंग कर सकते हैं, PG टूर मैंने आप लोग को दे दिया है। और क्यों कोई हमें प्यार कर ले छोटा ही। चलो बंद कर देता हूँ कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। अभी तक आप लोगों ने देखा कि मैं गया था ऊपर शॉप में सामान लाना था, मैं आ गया था, उसके बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा, अभी मैं थोड़ी देर ऊपर आया हूँ इवनिंग वॉक के लिए। मेरे साथ है रूबी। रूबी ये इसको देखना, नीचे कुत्ता आ रहा है, ऐसा रिएक्शन दे रही है। नीचे वो आ रखा है डॉग उसके चक्कर में,
WWE करा ले इससे। इधर आ तो, इधर आ तो। देखो ये शाम का वक्त है, सनसेट हो चुका है, इस साइड होता है यहाँ पे सनसेट। और ये देखिए, और इधर पे कसार देवी अपना, और ऊपर अल्मोड़ा मार्केट ये है, और अपना SSG कैंपस ये है। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, दिन में तो थोड़ी गर्मी है, बाकी इस वक्त बहुत मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ज़्यादा भी नहीं चल रही हवा, मतलब नॉर्मल होता है, एकदम मस्त वाला फील होता है जो जिसमें इंसान खुश हो जाता है, उस टाइप का हो रहा है वेदर। कर वो करा था परसों, अरे 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 कितना प्यारा, कितना प्यारा। ओके, उठो नहीं उठो ले जाओ। तो दोस्तों, लास्ट तक आपने देखा था कि मैं शाम को उसके साथ खेल लगा, रूप के साथ फिर नीचे आ गया था, फिर शाम को मैंने खाना वाना बनाया, उसके बाद ऐसा ही अपना मैं सो गया। फिर उसके बाद अभी उठा हूँ, सुबह के 6 बज चुके हैं, तो आज मुझे कॉलेज वगैरह भी जाना है, तो खाना कुछ बनाना है, खाना बनाते हैं, उसके बाद आप लोग को बताएंगे कि क्या क्या हुआ अपनी लाइफ में आज। तो आज के व्लॉग में जो है, आज का व्लॉग शुरू हो चुका है, वो सब मतलब पीछे के जो व्लॉग्स हैं वो उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं अभी तक। बाकी आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे हैं तो कुछ करो लाइफ में। बाकी हौले 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 होता है हर चीज़, किसी में भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। बाकी एडमिशन से बहुत सारी क्वायरीज आ रही हैं, कब से हैं मैं हर व्लॉग में आप लोग को बता रहा हूँ। 25 मई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं, कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज 25 मई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद की प्रोसेस क्या रहेगी पूछ रहे बच्चे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद की प्रोसेस मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। इस बार क्या प्रोसेस है, इस बार क्या रहेगा वो मुझे भी नहीं पता। बाकी जैसा भी न्यू गाइडलाइंस आएंगी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद स्टूडेंट्स को क्या करना है या क्या नहीं करना है, वो मैं आप लोग को ऐसी अपडेट देता हूँ। और ऐसे ही कनेक्टेड रहिए, चाहे इंस्टाग्राम में रहिए या यूट्यूब में रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और हाँ, लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग वीडियो बना रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक ज़रूर करिए। ओके दोस्तों, बाकी हैव अ ग्रेट डे, चलो आज रेडी होते हैं, हम कॉलेज को भी चलते हैं। ओके, बाकी जो आज का व्लॉग है इसको मैं 3-4 दिन से बना रहा हूँ, थोड़ा 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 करके। पहले मैं नैनीताल था, नैनीताल से आया, फिर अल्मोड़ा आया, फिर अल्मोड़ा में क्या चल रहा था थोड़ा बहुत, फिर 16 दिन का दिखा दिया, थोड़ा शाम को दिखा दिया, फिर आज इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके।